नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। झारखंड विधानसभा घेराव पूर्णतः सफल। आजसू पार्टी की विधानसभा घेराव सफल हुआ। हेमंत सोरेन सरकार ने कार्यक्रम को विफल करने के लिए हर संभव प्रयास किया। पूरे राज्य में अघोषित कर्फ्यू लगा दिया गया था। राज्य के सभी जिलों की तरफ से आने वाली राजधानी की सड़कों में भारी बैरिकेडिंग की गई थी। ना तो पाकिस्तान और ना ही बांग्लादेश का बॉर्डर था, तो इतनी भारी संख्या में बैरिकेडिंग क्यों? ये भी एक सवाल निशान है। सभी जिलों में रांची की ओर कुछ करने वाले आजसू पार्टी की कार्यकर्ताओं को प्रशासन रोक रही थी। उन्हें गिरफ्तार कर थाने में भी रखने का कार्य किया है। पुलिस प्रशासन की बात करें तो अपराधी आतंकवादियों के लिए भी इस तरह की जांच कभी नहीं करती। राजधानी में आने वाली सभी गाड़ियों में आजसू कार्यकर्ताओं को खोजा जा रहा था। लगभग 10,000 लोगों से ऊपर कार्यकर्ताओं पर 107 दफा लगाकर जनता को दहशत फैलाई। हजारों गाड़ियों को जहां तहां राज्य भर में रोक दिया गया। 1932 खतियान के वास्ते संघर्ष के रास्ते स्थानीय व नियोजन नीति लागू करने, पिछड़ा वर्ग आयोग के अनुशंसा 36 से 50% आरक्षण, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देना होगा। हेमंत सोरेन के खिलाफ जोरदार गुस्से का इजहार किया गया। भारी पुलिस बल तैनात कर दला दली चौक रिंग रोड पर रोका गया, जहां आम सभा में तब्दील हो गया। कार्यक्रम में केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो, चंद्र प्रकाश चौधरी, लंबोदर महतो, रोशनलाल चौधरी, डॉक्टर दीपक कुशवाहा, सतीश कुमार, इम्तियाज अहमद, नजमी, दीपक शर्मा, शंकर प्रताप विश्वकर्मा, विकास कुमार, डॉक्टर अफजल अंसारी, आबिद अंसारी, संतोष केसरी, गोरखनाथ चौधरी, नाथ ठाकुर, इश्तियाक रजा, अनुराग पासवान, रवि रंजन आदि लोग विधानसभा घेराव का नेतृत्व कर रहे थे। जिले से लगभग 300 कार्यकर्ता 6 तारीख को ही गढ़वा से कूच कर गए थे। आजसू पार्टी और उग्र रूप से आंदोलन करेगी, इसके लिए बहुत ही जल्द रणनीति बनाकर घोषणा की जाएगी। जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि आजसू पार्टी के द्वारा पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत झारखंड विधानसभा का घेराव कार्यक्रम आज 7 मार्च को किया जा रहा है। पूरे राज्य भर से आजसू पार्टी के कार्यकर्ता राजधानी में पहुँच रहे हैं, लेकिन आजसू पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए राज्य सरकार और राज्य सरकार में बैठे उनके जो नुमाइंदे, इनके इशारे पर पुलिस प्रशासन सभी कार्यकर्ताओं को जिले में रोकने का कार्य कर रही है। कई जिलों में हमारे कार्यकर्ताओं को रोक करके वहीं पर गिरफ्तार किया गया है, लेकिन इन सब के बावजूद हम सभी कार्यकर्ता किसी न किसी माध्यम से हम लोग राजधानी में पहुँच चुके हैं। और आप जैसा यहाँ पर देख रहे हैं, लोग नारेबाजी भी कर रहे हैं तेजी के साथ, और उसी उमंग और जोश के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और आज जो झारखंड विधानसभा का घेराव का कार्यक्रम है, निश्चित रूप से हम लोग घेराव का कार्य करेंगे, और सरकार को हर परिस्थिति के साथ उनको झुकना होगा, क्योंकि झारखंड में जो 1932 का खतियान है, उसी खतियान के आधारित नियोजन नीति और स्थानीय नीति को हर हाल में लागू करना होगा। यह आजसू का प्रमुख मुद्दा ही नहीं, ये झारखंड वासियों का अंदर दिल की बात है कि यह झारखंडी आखिर है कौन। सरकार को स्पष्ट नीति करना होगा और लागू करना होगा। और सरकार गठन के पूर्व में जो इन्होंने चुनाव के समय में जो उन्होंने वादा किया था कि झारखंड का कैबिनेट का गठन जैसे होगा, प्रथम बैठक में पिछड़े वर्ग के लोगों को संख्या अनुपाति हम आरक्षण देने का काम करेंगे। साथ ही प्रत्येक वर्ष सभी 5 लाख बेरोजगार युवकों को रोजगारी देने का काम करेंगे। जातीय जनगणना का भी जहाँ तक सवाल है, जनगणना भी किया जाना चाहिए। इन सभी मुद्दों को लेकर के आज सुमुखर है और आंदोलन है, और हम आंदोलन को चरम सीमा तक अपना लक्ष्य तक पहुंचाने का काम करेंगे। जब तक से इस झारखंड की सरकार इस मुद्दे पर झुकने का काम नहीं करती है और हथियार को लागू करे, बेरोजगार युवाओं को नौकरी दे, जातीय जनगणना को आधार को लागू करे, इसी बात को लेकर के हम लोग निरंतर आंदोलनरत रहेंगे और संघर्ष को जब तक निरंतर जारी रखेंगे, जब तक हम लोगों को झारखंड वासियों को इस मामला को लोगों तक लागू न कर दिया जाए। जय हिंद, जय झारखंड। रांची एल्युमिनियम वर्कशॉप। एल्युमिनियम से संबंधित सभी प्रकार के कार्य किए जाते हैं। हमारा पता है कचहरी रोड ब्लॉक के सामने, नगवा वार्ड नंबर 8, गढ़वा, झारखंड। लुबी है जहां, पानी है वहां। अधिकृत विक्रेता श्री लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल्स, लक्ष्मी मार्केट, सही जना मोड़, गढ़वा।